बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित्र लिखते वक्त कभी ये नहीं सोचा होगा कि यह रामचरितमानस केवल राम कथा और रामलीला के मंचन का विषय बन जाएगी। बाबा तुलसीदास जी ने तो रामचरित्र लिखा था कि लोग इस रामचरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन अगर इस समाज को रामचरितमानस समझ में आई होती, उसको अपने आचरण में उतारे होते, तो मात्र 3000 जिहादी लुटेरे आकर के हमारे इस पवित्र भारत भूमि को इस तरीके कलंकित नहीं करते। आज सनातन धर्म का ऐसा कोई भी पवित्र स्थान नहीं है जहां पर इनके आक्रमण न हुए हों और वहां पर निर्मित गौरवमयी बिंदुओं को तोड़ करके कलंकित ढांचे न खड़े किए गए हों। हमारे धर्माचार्य केवल राम कथा कहते रहे लेकिन राम का चरित्र एक भी नहीं गढ़ पाए। न राम के पदचिन्हों पर चलने वाले ऐसे कोई धर्मवीर योद्धा तैयार कर पाए। कहीं न कहीं ये हमारे धर्माचार्यों की चूक है। हमें अभी भी समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि रामचरित्र में स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान ब्रह्म भी राम के रूप में अवतरित होता है, तो वह इस मानव जाति को, इस सनातन समाज को अपने चरित्र के द्वारा आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हम उसके चरित्र से न तो प्रेरित हुए और न ही उसको आत्मसात कर पाए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिस परम ब्रह्म ने धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, विप्रों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए, उस परम ब्रह्म परमेश्वर का जो साकार रूप है राम, उससे हमने कुछ भी अनुसरण नहीं लिया। यहाँ तक कि कुछ कलंकित कथावाचक कथित बापू भगवान राम के चरित्र को इस तरीके से गढ़ दिया कि जैसे भगवान राम केवल यहाँ प्रेम लीला करने के लिए आए हों। सुनने में तो आता है कि उसने कोई मंदिर भी बनवाया है भगवान राम का, जिसमें भगवान राम को अस्त्र विहीन करके बिठाया गया है। जिस भगवान राम ने संकल्प लिया निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन, उस राम को अहिंसावादी बना करके पेश किया जा रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, विप्रधेनु जहां लग पाओ नगर गांव पुर आग लगाओ, वो कौन था, वो रावण रूपी कौन था। आप चिंतन करके देखें, आज भी वह रावण जिंदा है, लेकिन हमारे धर्माचार्य उस रावण से हमें समरसता का पाठ पढ़ाते हैं, उसे गले लगाने की बात करते हैं और हमारे सनातन समाज को ही नपुंसक बनाए देते हैं। भगवान राम कभी भी दुश्मन को माफ नहीं किए। जो धर्म के विरुद्ध रहा वही भगवान राम का दुश्मन रहा। भगवान राम भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, चाहते तो वैभवमयी सुखमय जीवन जीते, लेकिन वह केवल जंगल गए, बन गए, किस लिए गए, धर्म की रक्षा के लिए गए। और ऐसे पराक्रमी रावण को जाकर के ललकारा, उसके गढ़ में चढ़ करके उसको मारा, किसके लिए, धर्म के लिए, क्योंकि वह धर्म विमुख था, जबकि ज्ञानी था, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन धार्मिक नहीं था, सनातन से प्रेम नहीं था। भगवान राम ने इसलिए उसको मारा। उन्हें न राज्य की भूख थी, न वैभव की भूख की थी, वह तो केवल धर्म की रक्षा के लिए आए थे, धर्म को स्थापित करने के लिए आए थे और स्थापित करके चले गए। लेकिन हमने उनके चरित्र को केवल रामलीला का मंचन का एक विषय बना दिया, उस चरित्र को कभी आत्मसात नहीं कर पाते। आत्मसात करिए भगवान राम के चरित्र को, आपके मन में गौरव उत्पन्न होगा, आपके मन में पौरुष बढ़ेगा, आपको सनातन धर्म से प्रीत होने लगेगी। फर्जी अहिंसा, फर्जी धर्मनिरपेक्षता, फर्जी समरसता में अपने धर्म को कलंकित मत करें। जिसके आचार विचार संस्कार आपके समान नहीं हैं, वह आपका कोई नहीं है। आपका वही अपना है जिसके आचार विचार और संस्कार आपके जैसे हैं। आप धोखे में ना रहें,
अपने शत्रु को पहचाने, रावण को पहचाने और उससे होशियार रहें, उससे संघर्ष के लिए अपनी तैयारी बनाए रखें। संघर्ष सतत है, सत्य है, ये शुरू से हुआ है, होता है और होता रहेगा। अब संघर्ष में विजय आप कैसे हासिल करेंगे, यह आपका चिंतन का विषय है। विजय हासिल करने के लिए ही भगवान राम का इस धराधाम पर अवतरण हुआ कि सत्य को कैसे विजयी बनाया जाए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी भगवान के अवतार हैं, वह विजय हासिल करने के तरीका ही बता करके गए हैं सनातन समाज को। आप उन अवतारों से सीखें और विजयी बने। जय माता रानी, जय माता रानी।